अगर इस तरीके से सिस्टम रहेगा तो एक गरीब का मजदूर का बच्चा डॉक्टर बनने का कभी नहीं सोचेगा। रिजल्ट 14 जून में आने वाले थे, इन्होंने 4 जून को दे दिए, एकदम से इन्होंने बहुत जल्दी कर दी थी और उस टाइम पर दिए जिस टाइम पे इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, ताकि हो सकता है इन्हें छुपाना हो। मंडे को CGI साहब ये फैसला देने वाले हैं। अब वो चाहे फैसला 1,08,000 अभ्यर्थियों के लिए दें, चाहे 23,33,000 के लिए दें, पर रीनेट होने वाला है, ये आप गारंटी है। NTA के अंदर ही कुछ ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हैं जो लीक करवाना चाह रहे हैं एक तरीके से पेपर। NTA को हमको और एम्पावर करने की ज़रूरत है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रॉपरली इसमें इन्वॉल्व हो। अगर NTA नहीं करा सकती तो जैसे पहले NMC एग्ज़ाम कराती थी, अदर बॉडी से एग्ज़ाम कराती थी, फिर से उन्हीं को सौंप देना चाहिए। जब तक इसकी पूरी जाँच नहीं होगी तब तक वो सारे लोग पकड़ में नहीं आएंगे और नीट परीक्षा पूरी तरह से नीट नहीं हो पाएगी। पूरा माहौल अगर घर का ही देखा जाए, जो बच्चा इन्वॉल्व है जिसने एग्जाम दिया है इस बार, उनकी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। CGI ने कहा है इस चीज को कि नहीं, ये लीक ही है, तो इससे ये बात तो तय होती है कि कॉम्प्रोमाइज हुआ है और ये वाइड स्प्रेड हुआ है। ये सिचुएशन बस यही कहती है कि हाँ, कहीं ना कहीं NTA की कहीं ना कहीं कमी रही है जो अब सुधरेगी। नीट परीक्षा धांधली मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शनिवार तक सभी जो छात्र थे उनके रिजल्ट्स ऑनलाइन डिक्लेयर करें NTA, और छात्रों के जो है नाम छुपाए रखें। और इसी के साथ अगली सुनवाई जो मंडे को होगी, इस विषय पर लोगों से बातचीत करेंगे। ज़्यादा बातचीत के लिए मेरे साथ डॉक्टर मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आज जो पूरा हुआ सुप्रीम कोर्ट में, इसके बाद क्या कुछ आगे उम्मीदें जाती हैं? सर, मैं डॉक्टर भूपेन चौरसिया हूँ, एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, इन बच्चों के साथ पहले दिन से हूँ। आज मुझे ऐसा लगता है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने NTA की नीट परीक्षा ले डाली, क्योंकि तुषार मेहता जी चाहे कितना भी जो है वो लीक शब्द को ब्रीज सबसे सिनोनिमस करने की या हटाने की चेंज करने की कोशिश करें, बट CGI ने ये एस्टेब्लिशमेंट कर दिया कि लीक हुआ है। और तुषार मेहता ने खुद माना कि हजारीबाग में पेपर लीक हुआ और वो पटना गया। CBI ने 2 दिन पहले गिरफ्तारी की, पंकज कुमार नामक व्यक्ति ने NTA के ट्रंक से पेपर को चुराया, उसका जो है राजकुमार ने साथ दिया, और उसके बाद ये पेपर राजीव रंजन को पटना भेजा जाता है उर्फ रॉकी भैया, और बाद में एम्स के जो पटना के छात्र हैं डॉक्टर छात्र हैं उनसे पेपर सॉल्व कराया जाता है। गोधरा की भी बात हुई और वहाँ ये एस्टेब्लिशमेंट हुआ कि तुषार नाम का जो व्यक्ति था जो पूरा सेंटर इंचार्ज था, उसने कहा कि हम OMR को फिल करेंगे। अगर OMR को फिल करने की वो गारंटी दे रहा है और वो एक ज्योग्राफी का टीचर है, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि उसके पास क्वेश्चन पेपर और आंसर की अवेलेबल होगा। मुझे पूरा भरोसा है CGI साहब पे, सुप्रीम कोर्ट पे, क्योंकि पहले दिन से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर 0.01% भी बच्चों के साथ इनजस्टिस हुआ है तो हम रीनीट जरूर करेंगे, अहित इनके साथ नहीं होने देंगे। मुझे पूरा भरोसा है और मैं इस मैसेज के माध्यम से CGI और सुप्रीम कोर्ट से कहूँगा, वी वॉन्ट जस्टिस फॉर 24 लाख फैमिलीज, 24 लाख अभ्यर्थियों को आप जो है इंसाफ दें और मंडे को एक ऐतिहासिक फैसला दें। अच्छा, सर पहले जो दलीलें दी जा रही थी कि वाइड स्प्रेड लीक नहीं हुआ है, उन पर सवाल काफी खड़े हो रहे थे, अब क्या लगता है उन पर भी एक जवाब? सर देखिए, पहले तो तुषार मेहता ये मानने को तैयार ही नहीं थे लीक हुआ, पर आज तुषार मेहता ने ये तो माना कि हजारीबाग भी इन्वॉल्व है पटना के अलावा, अदरवाइज पटना से बाहर की वो बात ही नहीं कर रहे थे। अब CGI साहब ने EOU पटना की रिपोर्ट मांगी है, NH साहब ने बहुत अच्छी जो है काम किया, और उनकी अध्यक्षता में जब अनुराग यादव को पकड़ा गया तो उसने बकायदा बयान दिया है कि 4 तारीख की रात को मेरे फूफा जी ने मुझे बुलाया कोटा से, मेरे पास क्वेश्चन पेपर था, मेरे पास आंसर की थी, और मैंने जो है वही पेपर जो है रियल पेपर में आया। माने अनुराग यादव का सिलेक्शन नहीं हुआ वो दूसरी बात है, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि मिलने के बाद भी नहीं हो पाता, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। NIT में बहुत बड़ी धांधली हुई है, और NIT पेपर लीक के अलावा OMR शीट में आप एक बात बताइए, तुषार मेहता कहते हैं कि गोधरा में तो कुछ नहीं हुआ, उनको करने से पहले ही पकड़ लिया गया। अरे आपने उन 30 लोगों को तो पकड़ लिया, पर ना जाने कितने 30,000-35,000 लोग हैं जो करके आज हमारे ईमानदार 16-16 घंटे पढ़ने वाले गरीब बच्चों का हक लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पूरी लड़ाई 56,000 गवर्नमेंट सीटों की है। अगर इस तरीके से सिस्टम रहेगा तो एक गरीब का मजदूर का बच्चा डॉक्टर बनने का कभी नहीं सोचेगा, तो मंडे को ऐतिहासिक फैसला आएगा, मैं यही उम्मीद करता हूँ। रीनीट के पूरे रास्ते साफ दिख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आज जो हुआ है ये बिल्कुल चिन्हित करता है कि मंडे को CGI साहब ये फैसला देने वाले हैं। अब वो चाहे फैसला 1,08,000 अभ्यर्थियों के लिए दें, चाहे
23,33,000 के लिए दें, पर रीनेट होने वाला है ये आप गारंटी है। शुक्रिया बातचीत के लिए, और भी लोगों से बात करेंगे। सर, नीट परीक्षा सबसे बड़ा एग्ज़ाम्स में से एक है और ऐसे में धांधली कैसे देखते हैं इस चीज़ को? सर, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, मैंने इस साल नीट का एग्ज़ाम दिया था, मेरा 4th अटैम्प्ट था, मेरे 626 नंबर आए थे। अब जिस टाइम पर आए सर, उस टाइम पर तो लगा क्योंकि पिछले साल 605 पर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल गया था MBBS के अंदर, तो इस साल भी हमें पूरी उम्मीद थी कि इस साल 626 पर एक डिसेंट गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बट जैसे रिजल्ट है, पहली बात तो रिजल्ट 14 जून में आने वाले थे, इन्होंने 4 जून को दे दिए, एकदम से इन्होंने बहुत जल्दी कर दी थी और उस टाइम पर दिए जिस टाइम पर इलेक्शन के रिजल्ट आए थे, ताकि हो सकता है इन्हें छुपाना हो, कुछ भी करना हो सर। तो उस टाइम पर आए तो एकदम से जब रिजल्ट देखा गया तो एकदम मैं खुद शॉक हो गया सर, क्योंकि रैंक इन्फ्लेशन बहुत था। जहाँ पर 626 सर पिछले साल 25,000-24,000 रैंक थी, उस टाइम पर इस बार 51,000 रैंक थी। उस मैं सर OBC से आता हूँ और इसमें क्लोजिंग रैंक लगभग 25,000-24,000 हो जाती है। तो इस साल 626 पे अगर रीनीट नहीं हुआ तो मेरा मिलने का, मतलब कि MBBS कॉलेज मिलने का बिल्कुल ख़त्म ही है। तो बस यही है सर। अच्छा, आपने कहा आपने खुद एग्ज़ाम दिया था इसका, आप एक स्टूडेंट है, तो आपने सब देखा होगा किस तरह से प्रोसेस चलता है, क्या सुझाव आप देना चाहेंगे NTA को कि पेपर लीक जैसे मसले दोबारा ना हो फ्यूचर में? सर, पेपर लीक जैसे मसले तो इंटरनली हुए हैं, सबसे पहली बात तो यही है कि जब NTA के अंदर ही कुछ ऐसे ऑफिसर्स मौजूद हैं जो लीक करवाना चाह रहे हैं एक तरीके से पेपर, तो कम से कम उन जो ऑफिसर्स हैं उन्हें ढूंढना चाहिए, उन्हें जो है स्थगित कर देना चाहिए एक तरीके से, उन्हें ख़त्म कर देना चाहिए, फायर कर देना चाहिए। अच्छा, कई गिरफ्तारियां भी हुई इस मामले में, तो अब सुप्रीम कोर्ट से आपको उम्मीद है रीनीट के लिए? सर, इस बार जो लग रहा है कि मुझे सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि बिल्कुल रीनीट हो सकता है, क्योंकि CGI सर बिल्कुल न्याय में है इसके कि अगर 0.01% चांसेस भी हैं रीनीट के, अगर लास्ट ऑप्शन है रीनीट तो हम वो कराएंगे जरूर। सर, जैसा कि आप रीनीट के पक्ष में हैं, कई स्टूडेंट्स ऐसे भी जो इसका विरोध कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमने तो ईमानदारी से पेपर दिया था, दोबारा क्यों मेहनत करें, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर, एक तरीके से देखा जाए तो उनका पक्ष भी सही है, लेकिन अगर ये चीज़ नहीं हुई, रीनीट नहीं हुआ, तो अगले साल भी उम्मीद है कि क्या गारंटी है कि अगले साल नहीं होगा पेपर लीक? अगले साल तो और बच्चे बढ़ेंगे, 4 लाख बच्चे बढ़ जाते हैं हर साल, अगले साल 30 लाख बच्चे हो जाएंगे, तो हो सकता है उसके अंदर और ज़्यादा मार्क्स पेपर लीक हो। अभी तो इंटरनली ये पता चल गया था UGC CSIR का पेपर जो है वो तुम्हारा पोस्टपोन कर दिया गया, NEET PG का पेपर इसके बाद पोस्टपोन कर दिया गया, मतलब यहाँ पर जो भारत के अंदर धांधली रूट बहुत ज़्यादा आगे तक गई है सर इसकी। और भी लोग बात करेंगे। सर, आपका क्या नाम है? हरिकृष्ण शर्मा। आपने भी दिया था? नहीं, मैं नीट एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा। मेरा ऑलरेडी नीट निकल चुका है। जी बताइए क्या कुछ करना है? सर, अभी जैसे कोर्ट ने इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट से जो डाटा मांगा है, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब तक वो सोमवार तक शनिवार तक जो डाटा मांगा है वो तब तक मिलेगा, तब तक CBI की कुछ गिरफ्तारियाँ और हो चुकी होंगी, तब तक ये एकदम से हो जाएगा कि भारत में नीट परीक्षा व्यापक स्तर पर स्प्रेड हुई थी और इसका पेपर लीक हुआ था। जहाँ कोदरा वाली बात वो कह रहे हैं कि वहाँ नहीं हुआ था, हमने पहले ही पकड़ लिया, बट मेरा एक प्रश्न वहाँ पर सीधा है कि जो टीचर कह रहे थे कि हम उसको फिल कर देंगे, तो अगर उनके पास पेपर नहीं था तो उसको फिल कैसे कर देंगे? अगर कोई मुझे कहे कि भैया इसके आपको उम्र फिल कर दो, तो जब तक मेरे पास वो पेपर नहीं होगा तो मैं उसके आंसर फिल कैसे कर सकता हूँ? इसका मतलब कि उनके पास पेपर पहले पहुँच चुका था। जो ये पूरी धांधली हुई है, इसमें क्या लगता है केवल इंटरनल ही लोग शामिल हैं या फिर बड़े लेवल पर भी हो सकता है, नेशनल लेवल पर भी? मुझे लगता है कि इसमें इंटरनली बहुत सारे लोग शामिल हैं और हो सकता है कि इसमें अंदर NTA की तरफ से भी बहुत सारी सेटिंग हुई है और दोनों धांधलेबाजी की है। जब तक इसकी पूरी जाँच नहीं होगी तब तक वो सारे लोग पकड़ में नहीं आएंगे और नीट परीक्षा पूरी तरह से नीट नहीं हो पाएगी। अच्छा, लगातार स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कुछ इसके विरोध में है रीनीट के, कुछ इसके पक्ष में है, तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हैं आपस में, वो कह रहे हैं कि हमारी मेहनत बर्बाद हो गई, अब क्या एक समाधान मिलता है अगर रीनीट के अलावा कोई और समाधान सॉल्यूशन देखने को मिले? अगर जो बच्चे कह रहे हैं कि हमने पूरी मेहनत से पेपर दिया है, बहुत अच्छे से दिया है, तो उनसे एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चों, अगर आपने पढ़ाई की है ना और तबीयत से पढ़ाई की है, तो अगर वो एक बार हो या दो बार हो, आप कितनी भी बार हो, आप उतने ही नंबर लेके आ पाएगा, क्योंकि आपने पढ़ाई की है, आपने कोई चीटिंग नहीं की है जो आप ला नहीं पाओगे। तो अगर दोबारा परीक्षा भी होती है तो आपका नुकसान नहीं होगा, फायदा ही होगा, आप पूरे मार्क्स ले आ पाओगे। ठीक है, और भी लोगों से बात करेंगे। सर, ये नीट का पूरा जो मामला चल रहा है, आज सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आई, शनिवार तक स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स डिक्लेयर करने की बात कही गई है, अब ऐसे में क्या लगता है समाधान क्या दिखता हुआ नजर आ रहा है मंडी? देखिए, सबसे पहले तो CGI की बात को मैं यहाँ पर अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि
उन्होंने एकदम उस जगह पर वार किया है जहाँ से ही हमें लगता है कि चीज़ें हमारी तरफ पॉजिटिव तरीके से आएंगी, क्योंकि एनटीए शुरुआत से ही डेटा को छुपाता रहा है, चाहे फिर वो 1563 बच्चे जिनका ग्रेस मार्क्स दिया गया उनके डेटा को लेकर हो या फिर आगे के फर्दर और डेटा को लेकर हो। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है उनसे डेटा, तो यहाँ पर एनटीए कोई भी बात को छुपा नहीं पाएगा और हमारे सामने मंडे को दूध का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। अच्छा सर, अभी तक दलीलें दी जा रही थी कि वाइड स्प्रेड लीक नहीं हुआ है, उन पर भी काफ़ी सवाल खड़े किए जा रहे थे, अब क्या लगता है जवाब मिल चुका है वाइड स्प्रेड लीक के नाम पर जो कहा जा रहा था कि पूरे देश में नहीं हुए हैं लीक, कई कई जगह हुए हैं सिर्फ? जी देखिए, इस चीज़ को लेकर भी क्लैरिटी आ गई है, जहाँ तक हम देख सकते हैं कि एनटीए के जो वकील थे उन्हें वो बार बार ब्रीच वर्ड का यूज़ कर रहे थे, लेकिन आखिरकार सीजीआई ने कहा है इस चीज़ को कि नहीं ये लीक ही है। तो इससे ये बात तो तय होती है कि कॉम्प्रोमाइज़ हुआ है और ये वाइड स्प्रेड हुआ है, जहाँ पर केवल पटना से ही लिंक नहीं जुड़े, वो हज़ारीबाग से भी जुड़े हुए हैं, गोधरा से भी जुड़े हुए हैं, तो वाइड स्प्रेड होने की तरफ भी इशारा जा रहा है इसका। तो अभी मंडे को फैसला आने वाला है, अगली सुनवाई जो है उसमें क्या लगता है स्टूडेंट्स के पक्ष में होगी सारी चीज़ें? जी देखिए, एक बात हम ये बात हमेशा जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय है, हमेशा न्याय किया है इन्होंने, 2015 का भी जो मामला था उसके अंदर भी रीनीट करवाया गया था, तो हम ये बात जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बच्चों के साथ में कुछ गलत नहीं करने होने देंगे और जो वो रिजल्ट आपका ये उनका वर्डिक्ट आएगा वो बच्चों को ज़रूर इंसाफ देगा। सर बट आपने न्याय की बात करी, तो इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो रीनीट का ही विरोध कर रहे हैं, फिर उनके साथ तो अन्याय हो जाएगा ऐसे? देखिए ये बात हम मानकर चल सकते हैं, क्योंकि देखिए 24 लाख बच्चे इसके अंदर में हैं, ठीक है। हम ये भी बात जानते हैं एज अ टीचर, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे सामने ऐसे भी हैं जो कहते हैं सर हम दोबारा से उस ट्रॉमा को फील नहीं करना चाहते, ठीक है, और लेकिन वहीं पर बहुत सारे स्टूडेंट ये भी हैं नहीं सर हम दोबारा देना चाहते हैं। तो एज अ टीचर हमें दोनों तरह के वर्डिक्ट देखने को मिलते हैं बच्चों के अंदर में, लेकिन देखिए जब एक हम कहते हैं ना कि कसौटी पर कसा जाता है, हम भी स्टूडेंट को हर बार कहते हैं बच्चे कि अगर आप कुछ भी स्तर पर अपने आप को लो फील कर रहे हो, नहीं बच्चे आपको यहाँ से उठ खड़े होना है और फाइट बैक करना है। तो देखिए जिन बच्चों के माइंड सेट इस तरीके के हैं कि नहीं सर हम नहीं दे पाएंगे, हम उन बच्चों के लिए भी यही कहना चाहेंगे कि बच्चे आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी चाहिए, चाहे जैसी सिचुएशन आ जाए उसे बोल्डली आज आप फेस करोगे तो जीवन में आगे आप अपने लिए उच्च पैरामीटर सेट कर पाओगे और आगे का रास्ता भी आप अपने लिए प्रशस्त करोगे। शुक्रिया बात करने के लिए, और भी लोगों से बात करेंगे। सर कैसे देखते हैं आप जो पूरा मसला चल रहा है रीनीट का, नीट का? सर अगर पूरे मसले को देखें तो जब से प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है तब से 4 बार 4थी हियरिंग थी आज, और आज की भी हियरिंग में एनटीए की तरफ से बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं की गई थी, बट जब सीजीआई सर जब इस चीज़ को प्रॉपरली रिजल्ट मांग रहे हैं कि आप ये डाटा प्रेजेंट करो, आप ये प्रेजेंट करो कि एक्चुअली में कितने बच्चे 9 और 10 तारीख को इनरोल हुए हैं, तो उसमें एनटीए रिप्लाई करता है कि बस 15,000 हैं, जबकि वो डाटा गलत है, यहाँ पे 24,000 के करीब बच्चे एंटर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो ये सामने आती है कि अभी भी इस मोमेंट ऑफ टाइम तक भी जो एनटीए है वो सारे डाटा सही से नहीं प्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले तो ये चाहिए कि ये जितने भी डाटा है, जैसे अदर एग्जाम अगर सिविल सर्विस का ही एग्जाम ले लें तो वहाँ पर सारे जो बच्चे इनरोल होते हैं या जितने बच्चे क्वालिफाई करते हैं उन सबका डाटा प्रेजेंट होता है, सेम उसी तरीके से एनटीए भी प्रॉपर सारे डाटा को प्रेजेंट करे, सबके लिए प्रेजेंट करे, जिससे ये चीज़ तो क्लियर हो जाए कि हाँ इतने बच्चे इनरोल हुए थे, इतने बच्चों ने एग्जाम निकाला और इतने बच्चे पीछे थे, आप ये डाटा क्यों नहीं प्रेजेंट कर रहे, ये तो पहले खुद ही एनटीए को कर देना चाहिए था, बट जब अब सीजीआई मांग रही है तो इनको देना पड़ेगा और इन्हीं डाटा में कहीं ना कहीं क्लू छुपे हुए हैं जो ये इस तरफ इशारा करेंगे कि हाँ इन्होंने गड़बड़ी की है, यहाँ से प्रॉब्लम हुई है। और जैसा अभी दूसरी तरफ एक बात ये भी निकल के आती है कि भाई पेपर लीक हुआ है, हालांकि जिसको ये बीच वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हालांकि पेपर ऑलरेडी लीच हुआ है और मास लेवल पर हुआ है, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसी ओर इशारा कर रही है कि एनटीए क्या प्रशस्त है भी उतना कि वो प्रॉपर तरीके से एग्ज़ाम करा पाए, क्योंकि ये छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है, 24 लाख बच्चे अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, और इस एग्ज़ाम को कराने के लिए क्या एनटीए मतलब है उतना कैपेबल, कहीं ना कहीं इस बात पर भी सवाल कई सारे उठते हैं। सवाल ये भी है कि मामला अभी सिर्फ इस बार नीट लीक का नहीं है, देश में लगातार पेपर लीक होते हैं, चाहे यूजीसी का हो, नेट का हो, नीट का हो, क्या लगता है इसकी जड़ क्या है और इसका समाधान क्या हो सकता है? देखो इसका मुझे जो लगता है, सबसे पहले तो पावर अप और करना चाहिए एनटीए को, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन चाहती है कि एनटीए ही एग्ज़ाम कराए आगे भी, तो एनटीए को और प्रशस्त करना पड़ेगा। एनटीए में अगर देखें तो नंबर ऑफ जो पीपल है वो कहीं ना कहीं बहुत उतने कैपेबल नहीं है जो इतने वाइड लेवल पर एग्ज़ाम करा सके, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यही देखते हैं कि अभी जैसे सीएसआईआर नेट का एग्ज़ाम था या यूजीसी का एग्ज़ाम था, इनकी डेट को डिले किया गया या इनके डेट को चेंज किया गया, और भी कई सारे एग्ज़ाम जो ये कराते हैं वहाँ पर भी कहीं ना कहीं धांधली देखने को मिली जाती है। तो ये बस इसी ओर इशारा करती है कि कहीं ना कहीं एनटीए को हमको और एम्पावर करने की ज़रूरत है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन प्रॉपरली इसमें इन्वॉल्व हो। अगर एनटीए नहीं करा सकती तो जैसे पहले एनएमसी एग्ज़ाम कराती थी, अदर बॉडी से एग्ज़ाम कराती थी, फिर से उन्हीं को सौंप देना चाहिए कहीं ना कहीं। सर जैसा कि हम लगातार टीचर से बात कर रहे हैं, स्टूडेंट से बात कर रहे हैं, पेरेंट्स से भी, ये तीनों लोग एक एग्ज़ाम के लिए लगातार मेहनत करते हैं और फिर ऐसे लीक के मसले
सामने आते हैं, कितना कुछ गुजरना पड़ता है क्या कुछ? सर हम तो कहीं ना कहीं जिस दिन रिजल्ट आया था 5 तारीख को उसी दिन से देख रहे हैं, 6 तारीख से मतलब हमारे पास आने लग गया था कि सर मेरे तो मार्क्स मैच नहीं कर रहे, मेरे नंबर ही मैच नहीं कर रहे, OMR से मैच नंबर नहीं कर रहे, मेरे जितने नंबर आए हैं मैंने OMR से मैच किए तो 600 बन रहे हैं, यहाँ पर तो सिर्फ 300 दिखा रहा है। तो डे वन से ही हमने ये नोटिस किया, बच्चे परेशान थे और एक नहीं कई स्तरों पर ये माल प्रैक्टिस हुई है, तो बच्चों को हमने उसी समय से परेशान होते देखा है और तभी कहीं ना कहीं इतनी बात बढ़ी। डॉक्टर सड्डा जो हमारी टीम है वो डे वन से इसी चीज़ में लग गई थी, हमने सबसे पहले इसीलिए प्रोटेस्ट भी स्टार्ट किया था, हमने प्रॉपर एक यूट्यूब धरना टाइप का स्टार्ट किया था जिसमें 6 घंटे कंटिन्यू हम बैठे, हमने पेरेंट से बात की और हमने उस समय देखा था कि पेरेंट कितने परेशान है, लाइव चैट में पेरेंट जब हमसे बात कर रहे थे उस समय उनकी आंखों से आंसू निकल रहे थे, ये सिचुएशन थी। क्योंकि बच्चे तो परेशान है नो डाउट, उसने तो एग्ज़ाम दिया मेहनत की है उसके बाद वो परेशान है, उससे ज़्यादा हमने देखा है उनके पेरेंट्स भी परेशान है, मतलब पूरा माहौल अगर घर का ही देखा जाए जो बच्चा इन्वॉल्व है जिसने एग्ज़ाम दिया है इस बार उनकी पूरी फैमिली कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है, तो डिस्टर्ब तो बहुत नेक्स्ट लेवल पर ही हम बोलेंगे। यानी उम्मीद सारी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी है, और मंडे को क्या लगता है स्टूडेंट्स के पक्ष में होगा फैसला? बिल्कुल, आज की जैसे अगर हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देखें कि जिस तरीके से CGI ने बहुत ध्यान से एक एक चीज़ें सुनी हैं और जिस कंक्लूजन की तरफ चीज़ें जा रही हैं वो यही सारा कर रही हैं कि हाँ जो अब निष्कर्ष आएगा वो कहीं ना कहीं बच्चों के पक्ष में आएगा, क्योंकि बहुत सफ़र किया है बच्चों ने और ये सिचुएशन बस यही कहती है कि हाँ कहीं ना कहीं NTA की कहीं ना कहीं कमी रही है जो अब सुधरेगी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रॉपर तरीके से यहाँ पर इस बात को क्लियर अप करेंगे और बच्चों के पक्ष में न्याय करेंगे। शुक्रिया अपना समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा और सोनू ने बातचीत करी, यहाँ पर नीट मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की बड़ी सुनवाई हुई थी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ निर्देश NTA को दिए कि वो शनिवार तक जो है सभी बच्चों का रिजल्ट्स ऑनलाइन डिक्लेयर करे और जो बच्चों के नाम वो प्राइवेट रखे जाए। हालांकि ये मंडे को यानी अगले सोमवार को सुबह 10:30 बजे अगली सुनवाई होनी है, जिसके बाद ये नीट परीक्षा धांधली का क्या मोड़ लेता है ये फैसला ये देखने वाली बात होगी। आपकी क्या कुछ राय है नीट परीक्षा को लेकर, इस पूरे मसले को लेकर, ज़रूर हमारे साथ साझा करिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दिल्ली से द न्यूज़ 15 के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।